अगर ऐसा है ना पापा तो I'm sorry, पर एक पिता के रूप में हार गए आप। पापा, प्लीज बाबा प्लीज हमारे सामने आइए, हमारा साथ दीजिए पापा, बहुत अकेले हो गए। प्लीज पापा प्लीज कोई हिंट दीजिए, कहाँ है आप? महादेव प्लीज प्लीज कोई संकेत दीजिए, हमारे पापा कहाँ है? कैसी थी? कोई भी नहीं बचा, चल यहाँ से भाग चलते बेटा। नहीं पापा, शिव हमारे शिव यहाँ है पापा, हम शिव को छोड़कर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। शिव अब तुम्हारा नहीं है बेटा, ना कोशिश कर ले कुछ नहीं होने वाला, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल चलते, ये जगह कतरे से खाली नहीं है बेटा। हमारी बात सुन रहे हो ना तुम बेटा? हमारी तरफ देखो तुम अनन्या, हमारी बात सुन रही हो ना अनन्या? चिंता मत करो बेटा, चाहे कुछ हो जाए हम कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। अम्मा क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप अम्मा? अम्मा देखिए अनन्या को, बेहोश पड़ी है वो। हम क्या कह रहे हैं आपसे अम्मा? समझ रहे हैं आप? अम्मा ये देख, कल ही बन के आए झुमके। अम्मा क्या हो गया आपको, आप समझ क्यों नहीं रही? ये सब उसी का ही तो है, हम कहाँ अपनी छाती पे रख के ले जाएंगे? हमारा हवन पूजा पाठ ये सब उसी के लिए तो है। अरे राजरानी क्या शॉपिंग करी है तुमने, पूरी दुकान ही खरीद डाली। रेखा गिरजा जी, अम्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा है, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अनन्या बहुत पड़ी है, उसकी मदद करनी है हमको। ओहो भैया
कैसे मनुष्य बातें कर रहे हैं? दिमाग खराब हो गया आप लोगों का, आंखों पे लालच की पट्टी पड़ गई आप लोगों के, पैसे के आगे कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे ही हैं तो ऐसे ही सही, मगर हम आप लोगों की तरह बिकाऊ नहीं है। अपनी बेटी के लिए हम अकेले ही खड़े रहेंगे। पहले खुद तो ठीक से खड़े हो जाओ, फिर अपनी बेटी के साथ खड़े होने का दावा करना। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर ज्यादा बाप बनने का शौक चढ़ा तो तुम्हारी बेटी का वो हाल करूंगी कि अपना चेहरा वो अगले 7 जन्म तक नहीं पहचान पाएगी। अमर तुम्हारे दिमाग पर काबू कर सकता है शेफ, तुम्हारी अच्छाई और हमारे प्यार पर नहीं। पहचानो अपने आप को, कौन हो तुम? शिव हो तुम, शिव, हमारे शिव हो। हम हैं अनन्या, तुम्हारा प्यार है शिव, तुम्हारी पत्नी है हम, याद करो ना। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं अनन्या के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? उसकी तरफ इतना क्यों जा रहा हूँ? क्या सच में कोई कनेक्शन है हमारा? के पास तुम्हारी कोई जगह नहीं है शिव, क्योंकि वो तुम्हारा प्यार नहीं है, हम तुम्हारा प्यार है। अनन्या तुम्हें हमसे दूर करना चाहती थी, क्योंकि वो जलती है हमारी खुशियों से, वो आज भी वही कर रही है शिव, हमसे हमारा सच्चा प्यार दूर करने की कोशिश कर रही है। शिव हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। एक बार अनन्या की वजह से हम तुम्हें खो चुके, दोबारा नहीं खोना चाहते शिव। हाँ शिव, केतकी सही कह रही है, केतकी और तुम
एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन भाई मुझे कोई कनेक्शन क्यों नहीं फील होता केतकी के साथ? ऐसे अनजानों वाली फीलिंग क्यों आती इससे? शेव, अब अपनी फील के लिए तुम अपने भाई पे शक करोगे? इतना भरोसा नहीं है मुझ पे। बोलो शिव, जवाब दो। यहां शक करने का कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि केतकी ही तुम्हारा सच्चा प्यार है। और रही बात अनन्या की, तो उसका दिमाग खराब हो गया है। अवॉइड मारो उसे। अनन्या को मैं हैंडल कर लूंगा। तुम बस ये याद रखो कि केतकी ही तुम्हारा सच्चा प्यार है और कोई नहीं। थैंक यू अमर। माफ कर दो बेटा, हमें हम अच्छे पिता नहीं साबित हो पाए। अपना इकलौता फर्ज नहीं निभा पाए हम। पापा, हमें माफ कर दो बेटा। जो भी कुछ हुआ है ना पापा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। पर आप ऐसे रोएंगे ना पापा, तो हमें मत कौन देगा? हम कैसे लड़ेंगे सबसे? पापा आप प्रॉमिस कीजिए, आप कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। आप हर पल हमारे साथ खड़े रहेंगे। हम मिलकर इस बुराई से लड़ेंगे पापा। आप प्रॉमिस कीजिए। वचन देते तुम्हें बेटा, चाहे कुछ हो जाए, हम तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे साथ। सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा आराम करो, हम कुछ खाने को लाते तुम्हारे लिए। हम आराम करो। बेटा लगी होगी ना तुम्हें बहुत। चलो जल्दी से खाना खा लो। देखो सारी फेवरेट डिशेस बनवा के लाऊं तुम्हारे लिए।
देखो नहीं खाना है हमें कुछ भी। मैं मानता हूं तुमने बहुत कुछ सहा है और शायद तब तुम्हारे पापा भी तुम्हारे साथ में नहीं थे, लेकिन आज तुम्हारा साथ देने के लिए उनको इतनी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ रही है। अनन्या उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम अपने पापा से प्यार नहीं करती? बताओ, प्लीज मेरी बात मान जाओ और ये फालतू की तकलीफ छोड़ दो। मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हारी आंख में कभी भी एक आंसू नहीं आने दूंगा, हमेशा खुश रहूंगा और जब तुम खुश रहोगी तो तुम्हारे पापा के चेहरे पे भी स्माइल रहेगी, है ना? हमें तुम्हारी इस फालतू की बकवास में ना रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। जाओ यहां से। ओके, चला जाता हूं, लेकिन मेरे ऑफर के बारे में सोचना जरूर। और अगर फैसला बदल जाए तो ये साड़ी और ज्वेलरी पहन लेना। मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। क्यों बुलाया ऊपर? जाकर अपने भाई को कह दो कि हमें उसका रिश्ता मंजूर है। जाके बोल दो अमर को कि उसे अपनाने के लिए तैयार है हम। तुम अमर से कह पाओगे कि अनन्या उसकी होने के लिए तैयार है? खुश हूं मैं और ये बात अपने भाई को कहते हुए भी बहुत खुशी होगी मुझे।